चलो तुमसे कोई मिलने आए। अनुज भाई रियली सॉरी भाई, आपको ये सब देखना पड़ा। पता नहीं कौन हमारे बिजनेस हमारी सक्सेस से इतना जल रहा है, हमें फंसाना चाहता है। पर आप बिल्कुल फिक्र मत करना, आप भाई हो मेरे, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है आपसे। एनीवेज फिलहाल के लिए बेल हो गई है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप अभी नॉन बेलेबल था ना, तुमने बेल कैसे करवाई? बस भाई थोड़ी पहचान थोड़े हाथ मैले करने पड़े, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द गुड पार्ट इज दैट यू आर आउट एंड यू आर सेफ नाउ। That's all that matters. That's great news. Thanks. Rakesh ne Anuj ka bail karwa diya. Thank God. What happened? Ab to relax ho jao. Relax you. Come on, Gorvi. Sab sort ho gaya hai. It's done. Sort out ho gaya? उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। नहीं, मैं खुश हूँ कि वो बाहर आ गया है, लेकिन अब मुझे उन पेपर्स का जवाब देना है। जो काम अधूरा रह गया था ना, उसे पूरा करने का टाइम आ गया। गौरवी, रिलैक्स। नो गौरवी, काम डाउन। डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस गौरवी। आई विल टॉक टू हिम गौरवी। बोलना चाहिए था ना। शुक्रिया। वैसे बिजनेस में ये सब कुछ बहुत कॉमन है भाई। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं कि लोग अब चैलेंज फील करने लगे। बस एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई मुझे, ये मनीत और गौरवी भाभी को रेड करवाने की क्या जरूरत थी? आई मीन बाहर वालों से एक्सपेक्टेड होता है, पर मनीत तो आपका दोस्त था ना, तभी आपने उसे गौरवी भाभी का केस दिया था, और उसी ने भी कुछ टाइम पहले भाभी को जेल से बाहर निकलवाया था, और अब आपको अंदर डाल दिया। खैर आपका पर्सनल मैटर है तो मुझे शायद इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम लिटिल कंसर्न्ड। आपके और भाभी के बीच में सब ठीक है ना? कहीं वो यू राइट, ये मेरा पर्सनल मैटर है, गौरवी को इससे बाहर रखते। ओके, राइट। आप ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम लोग। हेलो Father, enough of this Anuj talk, okay? I miss you. Why can't we get back together? तुम मुझे मिस कर रहे हो और ये बात मुझे कह भी रहे हो। That's definitely a new Rishi. मुझे पता नहीं हमारे साथ actually what went wrong. But I miss you, Father.
And I know you miss me. And मुझे पता है कि वो तुम्हारी biological clock it's ticking. और तुम सब कुछ वो marriage के angle से देख रही हो. I want you to know, I'm ready to settle down. Joshi, I just want to tell you two things. First of all, मैं तुम्हें जानती हूँ. Which is a good thing. And second of all, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ. Which is a bad thing. So मुझे पता है कि all of a sudden तुम मुझे इतना miss क्यों करने लगे. And why you want to marry? And what is ticking more than my bio clock, Rishi? Is your business. And Rishi यार, मेरे पास बहुत options हैं. तुम्हारी capital wife बनना, not my thing. So why don't you get a life, baby? Bye. साइन कर दिया है, रखो. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल से आ गया? मनित, मैं सोच रही थी कि अब डिवोर्स हो ही रहा है तो हम नेगोशिएट भी कर लेते हैं कि कौन क्या रखेगा. तो बताओ क्या दे रहे हो मुझे? सब तुम्हारा है, नेगोशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, आई कांट ट्रस्ट यू ना. कल के दिन अगर तुम्हारा मूड बदल गया और तुमने चीजें वापस मांग ली तो? इसीलिए मैं पहले से ही क्लियर रखना चाहती हूँ. गर्वी, लीगली मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ तो. ये कौन रखेगा? ये फ्रेम, इसमें हम दोनों की फोटो है ना, तो ये मैं रखूंगी. ठीक है, ये कंगन तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे जो उनको उनकी सास ने दिए थे, तो ये भी मैं रखूंगी. ये गिफ्ट अश्विनी की शादी में हमें गिफ्ट मिला था जो कि घर के दामाद को जाता है, पर मैं तुम्हें दे नहीं पाई थी. तुम अपने काम, राकेश और माइंस में बिजी थे, तो ये तुम रख सकते हो. ये पेंडेंट तुमने मुझे माउंट मैरी फेयर में दिलाया था, तो ये भी मेरा है. ये भी मेरा है एंड इट्स नॉट नेगोशिएबल. और हाँ, डिवोर्स पेपर साइन करके मैं बहुत खुश हूँ. ये चीजें अपने साथ इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मैटर करती है. क्यों लेके जा रही? जाने दो, जिंदगी में आगे बढ़ो, नई मेमोरीज बनाओ. मैं तुम्हें किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रखना चाहता. एक सेकंड, एहसान कर रहे हो मुझ पे? यू थिंक यू आर डूइंग मी अ फेवर? नॉट डूइंग यू अ फेवर. तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था ना, जरूरी था ना तुम्हारे लिए, इसलिए मैं I want you to just, you know. चाहे कितनी दूरियां होंगी दरमियां, सुन रहा फिर भी दिल की ये दास्तां. चाहे मुश्किल से भरी हो प्यार की. मिसेस गौरवी मेहता, आप अपने हस्बैंड मिस्टर अनुज मेहता के अगेंस्ट कुछ कहना चाहती है? नो माय लॉर्ड. मिस्टर अनुज मेहता, आप अपने वाइफ के अगेंस्ट कुछ कहना चाहते हैं? नो माय लॉर्ड. अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो मैं 6 महीने के लिए काउंसलिंग सजेस्ट करती हूँ. 6 महीने बाद भी अगर आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए तो आप लीगल सेपरेशन के लिए फाइनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं. थैंक यू. दिल के गुल्लक में प्यार के सिक्के थोड़े थोड़े डाल के
जमा कर लिए। और पता है जब आंटी को गौरवी के बारे में पता चला, माय गॉड, मैंने जैसे तैसे करके उन्हें गौरवी के पास जाने से रोका। अदरवाइज शी वाज रेडी टू ब्लास्ट हर राइट देयर। हे, चीयर अप, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? यू डोंट हैव टू बी सैड फॉर एनीथिंग, कम ऑन। Are you sure of this? मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी है और उसके फ्यूचर के लिए जो भी बेस्ट होगा मैं वही करूंगी। तुम बताओ, आर यू श्योर? आई मीन इट्स सच एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो अच्छे से सोच लो। टू बी ऑनेस्ट गौरवी, मैं पहले श्योर नहीं था, नाउ आई एम। वैसे तुमने सोचा कि तुम क्या करोगे? काम, बस बहुत बहुत काम करना है, इतना काम करना है कि सब कुछ भूल जाऊं। इंडस्ट्री में मुझे अपनी स्टैंडिंग फिर से स्ट्रांग करनी है। जेल का इंसिडेंट मेरी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था, दोबारा रेपुटेशन बनानी होगी ताकि अनुज काम आना। व्हाट इज दिस? सो हियर इज द गुड न्यूज दैट आई एम गेटिंग मैरिड इन 6 मंथ्स। नेवर दैट आई एवर थॉट आई विल आस्क हर एंड शी विल से यस। नेगोशिएशन के नाम पे ना छोटी छोटी चीजें मांगनी थी। आई एम श्योर तुम्हें ये लगा होगा ना कि दैट शी डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट दैट वाज मेमेंट्री। अनुज लिसन, डिवोर्स लेना भी, दिस फेज इज नॉट इजी फॉर एनीवन, बट यू नो व्हाट, आई गेस मनीज इज द वन दैट शी वांट्स टू स्पेंड हर लाइफ विद। उसने मनीत को चूज किया, तुम्हें नहीं। मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारा डिवोर्स होने के बाद दे विल गेट मैरिड लाइक दिस। लिसन, आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर यू। इस चीज के लिए तो मैं कभी प्रिपेयर नहीं हो पाऊंगा। आई सीरियसली फील बैड फॉर हर। मनी तो होगा उसके लिए कंपैटिबल, पर उसने मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती की तुम्हें छोड़कर, एंड शी इज गोना रिग्रेट अबाउट इट। गौरवी को हक है वो अपनी खुशी अब किसी के भी साथ बांटे। दुख, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। अभी मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तुमने मुझसे डायमंड्स का सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि ये डायमंड्स तुम्हारे माइंड से नहीं बल्कि अफ्रीका से स्मगल हो रहे? नहीं भाई, वो लोग सिर्फ हमें डाउन करने के लिए सब बातें बोल रहे हैं। आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हमारा डायमंड एकदम प्योर है। जब से होश संभाला है तब से इस धंधे में। अच्छा है कि कुछ समय पहले वाला अनुज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा है, वरना इसी वक्त इस पार्टनरशिप को तोड़ के चला जाता है यहाँ से। फिलहाल मेरी सिचुएशन और मेंटल स्टेट कुछ ऐसी है कि मुझे बस पैसे कमाने हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारा बिजनेस सीधा नहीं है, तो मुझे मेरा कट चाहिए। आफ्टर ऑल रेपुटेशन मेरी स्टेक पे है। अनुज भाई, मैंने आपके भाई के साथ सिर्फ इसलिए काम किया था ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। आप एक प्रिंसिपल मैन, और मैं कभी उस लेवल पे जा ही नहीं पाया। हाँ, आज हमारा बिजनेस सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज की वजह से इतना बड़ा हुआ है। सो या आई एम रियली सॉरी भाई। आपने सच छुपाया, नहीं छुपाना चाहिए था, बट नाउ व्हेन यू आर इन द गेम इट्स अ डन डील। आपको आपका गट जरूर मिलेगा, लेकिन हमारी नेक्स्ट सेल रोहित को जाएगी तो आप जरूर, बड़ी डील है, बड़ा कट मिलेगा। मेरी एक्स वाइफ की बहन का हस्बैंड है, लेकिन बहुत निभाए रिश्ते। लेट्स डू दिस। सुपर्ब। राकेश भाई, रोहित बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, उसने मेरे साथ एज एन इंटर्न काम किया है, बहुत होनहार है। नहीं बिल्कुल, अनुज भाई के मुंह से मैंने बहुत कम लोगों की तारीफ सुनी है। गुड टू हैव यू एज आवर क्लाइंट। भाई बाकी आप दिखा दीजिए। चले हियर डायमंड्स।
मिस्टर राकेश, हम आपको अरेस्ट करने आए। हमारे पास डायमंड माफिया केस के सबूत हैं और रेड के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो प्रूव करते हैं कि ये डायमंड स्मगलिंग के हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों अरेस्ट करने आए हैं? अरे अनुज अपनी फैमिली में डील कर रहा है, ही इज द सेलर। मेरा इस डील से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो आपका ही है मिस्टर राकेश, क्योंकि जिस दिन अनुज की गिरफ्तारी हुई थी वो उसी दिन पुलिस के इन्फॉर्मर बन गए थे। ये सारे डायमंड्स अफ्रीका से स्मगल हुए हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास, और इन डायमंड्स को लेके बहुत सारी डीलिंग्स जो हुई है उसका भी प्रूफ है मेरे पास, जो मैं आपको दे सकता हूँ और आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। वो तो मैं आपको करूँगा ही, लेकिन ये सब प्रूफ देके आप खुद को क्यों अरेस्ट कराना चाहते हैं? क्योंकि जाने अनजाने में मैं एक गलत काम का हिस्सा था। तो हमने आपके बारे में बहुत सुना अनुज सर, और आपकी रेपुटेशन के बारे में भी। कल्प्रिट ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हमें भी धोखा दिया, इसलिए असली गुनहगार को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हमारे इन्फॉर्मर बन जाएं, तो आपके खिलाफ सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। और इन्हीं की टिप पे ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। देखिए कोई गलत फहमी हुई है, कोई मुझे और मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? मैंने आपको जेल से निकलवाया, आप मेरे को अंदर डाल रहे हो। तुमने नहीं, पुलिस है। पुलिस ने ट्रैप सेट किया था तुम्हारे लिए, जिसमें तुमने अपने मतलब के लिए मुझे जेल से बाहर निकालकर गलती की। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रोहित जैसे कई मासूम लोगों को तुम धोखा देते। मुझे तो पहले ही पता चल गया था, इसे मैंने पुलिस को आज की डील की टिप दी। बस अब वेट कर रहे थे तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ने की। फकिंग लूजर साले, इसलिए तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भाग गई। मेरे परिवार के बारे में तुझे बात करनी है? आज पानी की लाइन अरे तेरे के दोस्त वाले तेरे के दोस्त इसको बास्टर्ड फकिंग बास्टर्ड जा रहा हूं ना। हमें आपके स्टेटमेंट्स लेनी होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब। भाई आप यहां आई कॉल्ड। एक्चुअली मैंने तुम्हारी और जीजू की बात सुन ली थी और तुम लोग पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे, सो आई लिटरली गॉट स्केयर्ड। इसलिए मैंने ताई को फोन करके कहा कि आप मनित को लेकर यहाँ आ जाओ। असली आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सका। आइंदा से मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, आई प्रॉमिस। बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है। कितना अनुज प्यार है। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अस्मी मेरी भी बहन है। तुम किसी से भी रिश्ता जोड़ो, मेरे लिए ये रिश्ते हमेशा के लिए। तुम्हारे पेपर्स पे साइन करने से ये रिश्ते मेरे लिए टूटेंगे नहीं। मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनना, नहीं सुन पाऊंगा कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। मैं ये कभी नहीं सुन पाऊंगा। कह लेने देते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। ना रोना है रो लो साहब, सब निकाल दो, किसको पता चलने वाला है। मेरे पापा कहते थे जब सब खत्म होने वाला होता है तब एक काला बादल आता है, पर फिर सब बदल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वही टाइम सबसे सही होने वाला होता है। टेंशन मत लो साहब, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। छाता दूं? ठीक है फिर मैं चलता हूँ, बाय। छोटू को क्या पता एवरीथिंग इज ओवर, मेरी और वरुवी की कहानी खत्म। इतना सुंदर वेदर है गाइस, सच में इतना रोमांटिक, सो ब्यूटीफुल। पहले तो शादी कर रही है। थैंक यू। चल चल ये सब छोड़, ये बता तू फिर से प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गई? आई डोंट नो यार, इट्स अ मिरेकल यू नो। मुझे ना बचपन से लगता था मेरा प्रदर्शन ना एक घोड़े पे सवार होकर आएगा, यू नो लाइक
स्कार ऑन हिज आईब्रो, वुंड इन हिज हार्ट, पर ऐसा घंटा कुछ नहीं होता. मेरा प्रिंस चार्मिंग तो ब्लैक एंड व्हाइट निकला. बट लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे. कुछ भी स्टूपिड. ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए बिकॉज मेरे होने वाले वो लॉयर है. एंड यू नो हमने हमारे रिलेशनशिप में ना बहुत हार्डशिप्स देखे हैं. मतलब मैंने तो मेरा तो ब्रेकअप हो गया था पता है. कभी लगा ही नहीं था कि हम वापस भी साथ में आ पाएंगे. सिमरन पर इट्स ओके. सिमरन अनुज गाइस आई विल बी बैक. हां हाय 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 हाय. तुम यहां कैसे हो? मुझे ये बताओ तुम और मनित पर तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना? हां हो गया था. कुछ वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा था. मैं यूएस स्टडी करती हूं एंड ही इज हियर बट ऑल थैंक्स टू योर वाइफ. अगर वो नहीं होती ना तो आई डोंट थिंक मैं और मनित कभी वापस आ पाते. शी कन्विंस्ड अस बोथ टू हैव फेथ. हमें कन्विंस किया कि अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली फेस कर सकते हैं. पर ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई. बस यही है कि लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं. उन्हें जाने मत दो यार. डोंट लेट देम गो यू नो. बस फिर क्या था, मी एंड मनित आर बैक टुगेदर एंड गेस व्हाट, वेयर्स रॉकिंग. इसलिए हमने डिसाइड किया है जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे हम दोनों शादी कर लेंगे. इज इट अ ग्रेट न्यूज़? पर उसके लिए तुम्हारे दोस्त को 6 months वेट करना होगा. संभाल लेना उसको. बस उसी का सेलिब्रेशन चालू है. कम नाउ जॉइन अस. थैंक्स. चलो अच्छा है बारिश रुक गई. अब फाइनली ब्राइटनेस आएगी दिन में भी और लाइफ में भी. इज इट अ ग्रेट न्यूज़? अधूरी खाई.